हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ एक समझाऊंगी। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के द्वारा उसका अपना परिचय दिया जा रहा है। कवि ने इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से उसके सहज मानवीय स्वभाव और उसके गुणों का वर्णन किया है। यह कविता इस प्रकार से है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता की व्याख्या इस प्रकार से है कि इस कविता में जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वह कहती है कि वह दूध से युक्त मतलब दूध से भरे अधपके जुंडी के दाने बड़े स्वाद से बड़े मन से खाती है। वह चिड़िया बहुत संतोषी है, उसे ज़्यादा की लालसा नहीं है, थोड़े से ही दाने उसके लिए पर्याप्त हैं। इसमें जो चिड़िया है उसके पंख नीले हैं, जिसे अनाज से बहुत प्रेम है। तो इस पंक्तियों में हमें अन्न से प्रेम और आदर सम्मान करने की सीख मिलती है, क्योंकि अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार से है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मोहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि जो तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया है वो मैं ही हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी हूँ। मेरे गीत जो हैं, मेरे सभी जो गीत हैं वह बूढ़े वन बाबा को समर्पित हैं, मतलब मैं बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती हूँ, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया के प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश दिया जा रहा है। तीसरा पैराग्राफ है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी से भी पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ, मुझे अपने इस साहस पर बहुत गर्व है। मतलब वो उसको इतना अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतना साहस भरा कार्य कर पा रही हूँ। कहती है मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया के विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा दे रही है। कौन? वो छोटी सी चिड़िया। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि चिड़िया को क्या पसंद है ना? वो बड़े चाव से क्या खाती है, उसे किससे प्रेम है, वो नदी का जल कैसे पीती है और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है आदि की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।